हेलो एवरीवन, नई शिक्षक भर्ती 2023-24 के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बिल्कुल सीधी भर्ती रहेगी, मेरिट के आधार पर ही चयन होगा। क्वालिफिकेशन में जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट निकाली जाएगी और चयन किया जाएगा। सी टैट टैट किसी भी प्रकार का नहीं मांगा गया है। अगर यहाँ पर आवेदकों की संख्या अधिक हो जाती है तो साक्षात्कार करवाया जा सकता है। निःशुल्क ही आप लोगों को आवेदन करना होगा। सैलरी यहाँ पर प्रवक्ता के लिए 45,000 रहेगी। इसके अलावा सहायक अध्यापक टीचर के लिए 42,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो वैकेंसी जारी की गई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से ये वैकेंसी है, श्रावस्ती की वैकेंसी है। इसके अलावा मेन वेबसाइट पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बालक और बालिका अलग अलग स्कूलों में कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर भयापुरवा श्रावस्ती में जो वैकेंसी आई है, पद का नाम जो है वो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक है, जो कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में बता दिया है। प्रवक्ता में समाजशास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। 21 से 60 साल उम्र रहेगी। 45,000 मासिक आप लोगों को मिलेगी सैलरी। योग्यता यहाँ पर जो है स्नातकोत्तर की उपाधि, केवल पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा। नेक्स्ट सहायक अध्यापक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सब्जेक्ट है साइंस, अंग्रेजी, संस्कृत, व्यायाम और गृह विज्ञान। तो आयु यहाँ पर 21 से 60 ही है और 42,000 मासिक आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। केवल स्नातक और बीएड कहा गया है, टैट या सी टैट किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो ये हो गया योग्यता, आयु और कितनी सैलरी मिलेगी, पद का नाम क्या है और विषय और कहाँ से वैकेंसी आई है। तो बिल्कुल जो है ऑथेंटिक जानकारी है ये। ये मुझे मिला है जो रोजगार प्रकाश जारी होता है वहां से मिला है। उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी निकाली गई है सभी जातियों के लिए। अंतिम डेट रहेगी 30 नवंबर 2023। बाकी चीजें हम देख लेते हैं। आवेदन शुल्क बिल्कुल नहीं है, महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। जहां बालक विद्यालय है, राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय, वहां पर पुरुष आवेदन करेंगे, और जहां पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालिकाओं के हैं तो वहां जो है लेडी टीचर जाएंगी। यहाँ पर जो है आवेदन भेजने का जो एड्रेस है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी श्रावस्ती, कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नंबर 47, भिनगा श्रावस्ती, पिन कोड 271831। ठीक है, और आप लोगों का जो है 30 नवंबर 2023 से पहले, ये अंतिम डेट है, पहुंच जाना चाहिए आपका आवेदन। इस पते पर आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित केवल पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आप लोगों को भेजना है। आप आवेदन पत्र साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी पर जो है अपने साइन करेंगे नीचे, और उसे इस एड्रेस पर भेज देना है। 30 नवंबर से पहले आप लोगों का पहुंच जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्मेट। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या संलग्न करना है वो भी दिया हुआ है। जन्म तिथि के लिए जो है 10th की मार्कशीट, इसका प्रमाण पत्र बिल्कुल बेस्ट रहता है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी का फायदा चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अगर है, यदि पद हेतु अनुभव जरूरी हो, बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। और क्या चाहिए, दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के जो है फोटो चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पद का नाम, विषय, श्रेणी ये जरूर आपको लिखनी होगी। आवेदन पत्र के सभी कॉलम जो है स्पष्ट अक्षरों में भरें। यह जानकारी काटकर जो है अपने पास रख लें, आवेदन के साथ नहीं भेजना है। कटिंग या ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है या साक्षात्कार होता है आगे चल के, तो टीए डीए जो है इसमें नहीं दिया जाएगा, यानी आपको अपने खुद के खर्चे पर ही जो है जाना रहेगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज जो है सत्यापित होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अपने जितनी फोटोकॉपी है अपने डॉक्यूमेंट की, तो उन पर जो है अपना सिग्नेचर जरूर करें। एक पद के लिए एक ही आवेदन किया जाए, एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अलग अलग स्कूलों के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। आरक्षण या अन्य विवरण के लिए संबंधित समाचार पत्र जो है अवश्य देखें। उसके बाद जो है 9 नंबर पर लिखा है कि प्रवक्ता के लिए 320 रुपए और सहायक अध्यापक के लिए 300 रुपए प्रत्येक पीरियड का भुगतान किया जाएगा, और अधिक से अधिक जो है आप एक दिन में 5 पीरियड ले सकते हैं। अगर सहायक अध्यापक की सैलरी अगर आप मंथली देखेंगे
तो 1500 रुपये जो है वो आप लोगों को पर डे, अगर आप 5 पीरियड लेते हैं तो पर डे आपके 1500 रुपये आपको मिलते हैं, ठीक है। और 30 दिन का अगर आप देखेंगे तो 45,000 आपकी सैलरी हो जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है डेली 5 पीरियड ले पा रहे हैं या 4 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एक दिन में 2 ही पीरियड लेना चाहते हैं तो 2 ही ले सकते हैं। अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये सारी जानकारी आपको जो है कहाँ से जो है वो मिलेगी, ये मैंने आप लोगों को जो रोजगार प्रकाश में जारी किया गया है तो वहां से मैंने आप लोगों को ये जानकारी उपलब्ध कराई है। बाकी आप लोगों को 9 नवंबर 2023 हिंदुस्तान लखनऊ, ये जो समाचार पत्र है इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जो भी जानकारी उपलब्ध कराई है बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई भी जो है फेक न्यूज़ इस चैनल पर नहीं दी जाती है। बाकी अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि यदि आपके शहर में आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है, यानी हर जिले में आवेदन पत्र मिलेंगे आप लोगों को, अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इस वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। इस वेबसाइट को जो है अगर आप सर्च करेंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा। तो आप लोगों को आवेदन पत्र के लिए क्या करना है, तो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ राजकीय आश्रम पद्धति के जो विद्यालय अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा विद्यालय जो है गर्ल्स का है, कौन सा बॉयज का है, तो उसके लिए जो है हमारे विद्यालय, यहाँ पर आप लोगों को एक लंबी लिस्ट जो है विद्यालय की नजर आएगी, ठीक है। बालिकाओं का अलग है, बालक का अलग है। और यहां पर अगर आवेदन पत्र का प्रारूप सर्च करना चाहें तो ऊपर फिलहाल जो है वो कोई भी जो है यहां पर अपडेट नहीं आई है। 5 नंबर का जो क्रम संख्या है तो पिछली जो भर्ती हुई है इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। तो लास्ट में आप लोगों को आवेदन पत्र का जो है वो प्रारूप नजर आएगा। यहाँ पर देखिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में संविदा पर कार्यरत संविदा कार्मिकों का नवीनीकरण प्रारूप, तो ये उनके लिए है जो कि पहले से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल जो है वो कोई भी आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर भी नहीं मिला है, तो अगर आपको मिलता है तो ठीक है, और जैसे ही मुझे पता लगता है, क्योंकि मेन वेबसाइट पर जैसे ही जारी हो जाएगा आप लोगों को सूचना दी जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो अभी 30 नवंबर 2023, तो हो सकता है मेन वेबसाइट पर जो है आवेदन पत्र का प्रारूप जो है मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।